और उसकी नेकी और तकवा ये नुमाया हो। तो आज के दौर में पैसे की कमी नहीं है, किसी और चीज़ की कमी नहीं है, माली असबाब वसाइल की कमी नहीं है, जो कमी है वो ये है और वो इस कमी को आप ही पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भी इल्म का पिटारा, मालूमात का पिटारा जहन पे लेके सर पे लेके चलें और ये कमी रह जाए तो शायद बहुत ज़्यादा कंप्लीट भी आसानी से नहीं करेंगे। ये पहलू आपका होगा और कंप्लीट करने में लगेगा भी, लेकिन ये चीज़ ऐसी है जिसे दुनिया फौरन देखे। इसी वजह से आप देखते हैं अरब के बिगड़े हुए माहौल में इस्लाम ने जो ईमान वालों की तस्वीर कशी की उसमें ये चीज़ बहुत नुमाया कि वो बाखलाक होते हैं, बाइफत होते हैं, अमानतदार होते हैं, दयानतदार होते हैं। इसलिए कि ये चीज़ इस चीज़ में जो अट्रैक्शन है उसे कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता कि भाई वो शख्स कल कुछ था, इस्लाम ने आया बदल गया, अरे कल तो ये यही साथी था हमारा, इसलिए वो क्या बिल्कुल बदल गया। तो इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि हमारे अखलाक और हमारा कैरेक्टर, हमारी सीरत नमूने की सीरत हो। इसके लिए जो कमियां हमारे अंदर हैं उनको आप दूर कीजिए, जो खूबियां हैं उनको बर्बाद चढ़ाइए और पूरी सोसाइटी पर आप इसका असर डालिए। आपके साथी भी कहें, आपके घर के लोग भी कहें, बाहर के लोग भी कहें कि हमने देखा एक बच्चा है माँ बाप को परेशान नहीं करता, पड़ोस के लोग जिनका बच्चा परेशान करता है उसका हवाला देते हैं, देखो वो भी तो बच्चा है परेशान नहीं करता। इस तरह आपका वजन बढ़ेगा। ये इसलिए ज़रूरी है कि आप अखलाक और किरदार के लिहाज से ऊपर उठने की कोशिश करें। आपके यहाँ ये बात भी बार बार आती रही है कि इस तहरीक को आगे बढ़ाना है। नए सदर साहब ने बड़े जोश के साथ ये बात कही भी है। इससे पहले भी आप लोग प्रोग्राम बनाते रहे कि जो हमारे कमज़ोर हल्के हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मेरा दूर दूर से अंदाज़ा है कि शायद इस मामले में बहुत ज़्यादा पेशकश नहीं है। जो दो चार हल्के बहुत आगे थे अभी महसूस होता है कि वो आगे हैं, जो हल्के पीछे थे कमज़ोर थे वो वहीं हैं या कुछ थोड़ी शायद पेशरफ उन्होंने की हो, लेकिन जैसे तरक्की करना चाहिए भरपों को इस तरह की तरक्की शायद बन नहीं की है। इसकी तरफ भी आप फिक्र कीजिए, अगर पूरे मुल्क के अंदर हमारी कोशिशें बहुत वाजिब किस्म की होंगी तो उसका एक असर पड़ेगा कि पूरे मुल्क में है ये और हर जगह उनकी बड़ी तादाद यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, मदारिस में काम कर रही हैं। तो जो हल्के इस तरह के रह गए हैं उनको आगे बढ़ाने की आप कोशिश करें। एक चीज़ यह है जो जिम्मेदार हजरात हैं उनसे हम कहेंगे कि ठीक है आप सब साथी हैं और साथियों के दरमियान बेतकल्लुफी भी होती है और होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ जिसकी तरफ शर्फी साहब ने इशारा किया वो ये कि हमारा साथी कोई जिम्मेदार मुंतखब हो गया है तो उससे आपके ताल्लुक की नौत बिल्कुल मुख्तलिफ होनी चाहिए। वो साथी के साथ साथ वो आपका कायद भी है और उसकी क़यादत पर सही माने में अमल उस वक्त होगा जबकि आप उसकी बातों को वज़न दें और कहें कि भाई ये हमारी जिम्मेदार की तरफ से बात आई है। कायद का यह इंतजाम तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो रस्मी सा ताल्लुक रहेगा कि हाँ सा फलासा खुरा आ गया है, फला बात हो गई है, अभी करना चाहिए। और दूसरी यह है कि यह दीन का तकाजा भी है, दीन का तकाजा ये भी है कि आदमी अपने जिम्मेदार से मोहब्बत करे और जिम्मेदार से भी कहा गया है कि वो अपने माने लोगों के साथ मोहब्बत का रवैया अख्तियार करे। और फिर इस बात की कोशिश भी होनी चाहिए कि हम बाहम मशवरे के साथ
काम करना। मशवरे में ये बहुत जरूरी है कि किसी की राय फाइनल नहीं होती, कसम इनके साथ रहता है। अगर आदमी मैं अपनी राय पर अड़ता हूं, आप अपनी राय पर अड़ जाए तो वो मशवरा नहीं हुआ, रसमदा होगी। मेरे अंदर यह हौसला होना चाहिए कि भाई कोई बेहतर बात आए तो छोड़ूंगा। एक मरतबा डिस्कशन हो रहा था, आप थोड़ा तो नाम सुना होगा, खुसरो साहब का, अलीगढ़ की बहुत ही नुमाया वेस्ट हास्पर्स में रहे हैं, बहुत जिंदा दिल आदमी भी थे। एक मरतबा गुफ्तगू हो रही थी किसी में, हो रहा था तो उन्होंने हवाला दिया एक शख्स का, ये बहुत बड़ा माहिर आदमी था, नाम मुझे याद ही रहा। उस गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि गुफ्तगू के आदाब भी शामिल हैं, कि मैं ये सोचता हूँ ऐसा हो सकता है, इसका इम्कान है। खैर उन्होंने कहा कि कितनी मरतबा वो ये अल्फाज रिपीट करता था, इसका भी इम्कान है, इसका दूसरा रूप भी हो सकता है जिसकी तरफ मेरा जहन नहीं गया है। आप हजरात अगर तवज्जो करें तो कुछ और पहलू भी आ सकते हैं और हम सब लोग मिलकर किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो महजब कौमें हैं उनके यहाँ डिस्कशन का ये अंदाज होता है, बात जाहिर है कि बात भी फाइनल होती है, लेकिन अगर मशवरे की फदा बाकी ना रहे तो दिल टूट जाते हैं कि बिना वजह मेरी बात रच कर दी। लेकिन अगर मालूम हो कि नहीं, आपकी राय को भी वजन दिया गया है लेकिन इज्तिमाई फैसला है, इस पर हमें अमल करना चाहिए, तो ऐसी फलाह हमारे दरमियान होनी चाहिए, चाहे रियासती सतह पर हो या मरकजी सतह पर, कि हमारे दरमियान मशवरे की फजा और तबादले ख्याल की फजा, और फिर उसके बाद किसी नतीजे तक पहुँचना और उसके मुताबिक अमल करना, तो इस फजा को बाकी रखना चाहिए। आइंदा भी आपके काम आ सकती है, मुख्तलिफ घरेलू ज़िंदगी में भी काम आ सकती है, इज्तिमाही ज़िंदगी में भी काम आ सकती है, जमाती ज़िंदगी में भी काम आ सकती है। ये बस बात ऐसा होता है कि इसमें अगर आदमी की कोताही रहता है तो वो इज्तिमाहियत के साथ बहुत दिनों तक चल नहीं पाता, उसे दिक्कतें महसूस होती हैं। इसलिए ऐसी फजा आप अपने अंदर पैदा करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। आखिरी बात, अब तो शायद आना का भी वक्त हो रहा है, ये कहूँगा मैं आपसे, ये बात भी आई है वो ये कि देखिए आप जो कुछ कोशिश कर रहे हैं और आगा भी करेंगे उसमें सिर्फ अल्लाह की रजा, कोई और चीज नहीं होता, इसके लिए आप दुआ भी कीजिए। और शोरी तौर पर इधर उधर के ख्याल आता है तो उनको हटा दीजिए। एक तो यह है कि बाद अवकात आदमी काम करता है और खासतौर पर जो नुमाया बात होती है स्टेज पर नजर आते हैं, कहीं कहीं जहन में बात आती है कि देखो मैं भी स्टेज पर मौजूद हूँ, ऐसे मौके पर फौरन तौबा कीजिए। अगर अल्लाह से कहिए अरे अल्लाह तो चाहता तो उन्हें वहाँ भी उठा सकता था, इतना गर्म है यहाँ भी उठा सकता और कल मुझे फिर वहाँ भी पहुँचा सकता है, तो इज्जत अल्लाह ताला देता है ना, तो आदमी उसका ख्याल रखना चाहिए कि जो कुछ हम हैं वो तो अल्लाह का करम है। और वरना यह होता है कि आदमी कभी ये समझने लगता है कि देखो मैं तो नुमाया हो गया, जहाँ जाता हूँ स्टेज पर नजर आता हूँ, तो इसकी वजह से आदमी का अमल ज़ाहिर हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर है कि आपको तो सराबा इखलास है, लेकिन इसके बावजूद आप दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा जाल अमलहु अमली कुल्लहु सादिया, आपकी दुआ है मेरा हर